ये प्रसाद है, हाँ अभी खा लेना, हाँ पूजा के लिए। थैंक यू। अगर दिन की शुरुआत और व्लॉगिंग की शुरुआत अगर चाय से ना हो तो क्या हो। वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम डॉक्टर दीपा। यार न्यू सेटअप है, क्या कैमरा का न्यू दिन है, नई शुरुआत है और आज हम जा रहे हैं 3 दिन के सफ़र पे। अभी 3 दिन का सफ़र कौन सा है, क्या है, कैसे है, आप जैसे जैसे हमारे साथ चलोगे आपको हम बताते जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम रुके मैं सामान पैक हो चुका है, ऑलमोस्ट सब रेडी है। तो सब अभी, हाँ और एक बात कि मैं इस बार बाइक राइड नहीं कर रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ अपनी रसबरी के साथ, मीन्स अपनी कार के साथ। फटाफट अभी बजे हैं सुबह के 6 बजे हैं। अभी मैं निकलती हूँ, बैग सब डाल देती हूँ कार में और डायरेक्ट आपको कार में मिलती हूँ। तब तक हैव अ नाइस डे। ये नया कैरेक्टर हमारे आज के व्लॉग में रहेगा हमारे साथ कुछ देर तक। तो सब बैग्स लोड हो गए हैं एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव। श्री स्वामी समर्थ महाराज गणपति बाबा। अभी भी सोने का कार्यक्रम चालू है तो अभी डायरेक्ट फूड कोर्ट में रुकूंगी। आई विल रिफिल माय ये रसबरी मेरी कार एंड फिर अगर कुछ खाना है तो खाएंगे, वरना डायरेक्ट स्ट्रेट पुणे जाएंगे। अरे हाँ, मैंने आपको बताया नहीं था ना कि हम लोग पुणे जा रहे हैं। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं पुणे, अभी तक प्लान कोई फिक्स प्लान है ही नहीं, सिर्फ निकले हैं। 3 दिन का ये सफ़र है इतना पता है, लेकिन प्लान क्या है वो कुछ नहीं पता। जैसे जैसे प्लान बनते जाएगा वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगी। तो अभी मैं आपसे डायरेक्ट मिलूंगी। सो गाइस, अभी पहुँचे हैं पुणे। फिलहाल थोड़ा सा चेंज है मेरे प्लान में, हमारे प्लान में, एंड नाउ द एग्जैक्ट टाइम इज़ 11 o'clock। एंड यहाँ पर अभी ऐसा है, एक मिनट इसको जाने दो। ओके, तो अभी प्लान ऐसा है कि सब फ्रेंड्स ये लोग मिलने, एक्चुअली इसको मैं डायरेक्ट उसके कॉलेज में छोड़ने जाने वाली थी, लेकिन वहाँ मैं डायरेक्ट ना जाने के बजाय सब फ्रेंड्स लोग यहाँ पुणे में मिलेंगे एक फ्रेंड के घर पे, एंड यहाँ से फिर वो लोग सब मिलके एक ही गाड़ी में कॉलेज जाएंगे। तब तक इसको मैं यहाँ पे अभी ड्रॉप कर दूंगी। तो उसके बाद इसको ड्रॉप करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगी ये आपको मैं मेरे व्लॉग में आगे बताते रहूँगी। बाय द वे, ये मेरा न्यू कलेक्शन ऑफ मास्क कैसा है, कैमोफ्लाज। माय न्यू सेटअप,
गोप्रो हीरो 9 एक्चुअली ऑसम है, ये बहुत सही है। तो इट इज़ फॉर द सेल्फी अगर आप कर रहे हो तो, और ये बैक कैमरा भी है। टिल नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आई होप आपको भी उसकी ये वॉइस क्लियरिटी एंड फोटो क्लियरिटी अच्छी आई होगी, ऑडियो एंड वीडियो बोथ। सो गाइज आ गए हैं हम यहाँ पे इनके फ्रेंड के घर पे। तो अभी तो फिलहाल उनकी फ्रेंड यहाँ पे है नहीं, वो गई है ड्राइविंग टेस्ट करने के लिए, लेकिन उनकी ब्यूटीफुल सी मॉम यहाँ पे है। हेलो हाय, मुझे नेम बताइए। आनंदिता। आनंदिता एंड शी इज अ वेरी गुड टीचर ऑफ ज्योग्राफी की टीचर है। टीचर लोग हमेशा बोलते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन आनंदिता इज वेरी जॉली, बहुत अच्छी, और आते बराबर हमारे सामने इतना सारा स्वीट्स रख दिया है। सो वो शी इज आल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। ओके आनंदिता, थैंक यू सो मच। तो अभी इनको यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, फिर मैं सैटरडे को आऊंगी और वापस इनसे आपको मिलाऊंगी। टिल देन हम लोग स्वीट्स का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। थैंक यू सो मच आनंदिता। जस्ट सुना था कि पुणे इज़ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, लेकिन सच में काफ़ी खूबसूरत सिटी है पुणे। आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों का हैदराबाद। सो गाइज यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है आनंदिता का। शी इज़ वेटिंग हियर फॉर ऑल द फ्रेंड्स टू कम हियर। जैसे ही सब फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, फिर ये सब लोग मिलके फिर आगे जाके उनका प्लान बनाएंगे, और मैं यहाँ से निकल रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ओवर हियर। तो मैं अपना अरेंजमेंट किधर और कर लूँगी। सो स्टे ट्यून विद मी, आप लोग तो हो मेरे साथ। अभी प्लान कुछ इस तरह है, मैंने पायल को तो ड्रॉप कर दिया है उसके ये फ्रेंड के घर, और वो सब फ्रेंड्स मिलके फिर आगे की वो लोग जर्नी करेंगे। तो फिर मैंने बीच में मेरे एक भाई भी रहते हैं, तो उनको जाके मैंने ये विजिट कर लिया, ये दिवाली विशेष ग्रीट कर लिए। एंड अभी मैं निकली हूँ एक रिसोर्ट पे। मैंने बहुत सर्च मारा तो मुझे उस जगह से ये वाला रिसोर्ट थोड़ा सा वो नज़दीक लगा। पूरा तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आप देख सकते हो हार्डली 55 मिनट का ये रिसोर्ट है। तो ये कौन सा रिसोर्ट है वो मैं आपको वहाँ चल के बताऊँगी, लेकिन रिसोर्ट के बारे में मैंने बहुत सुना था। आज मौका भी आया है, दस्तूर है, इत्तेफाक है, सब कुछ है। तो चलो जाते हैं उस रिसोर्ट में, एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर लेट्स सी। और जैसे ही पायल का प्लान ख़त्म होता है तो वो शी विल पिंग मी एंड फिर मैं रिटर्न आऊँगी और उसको कर लूँगी पिकअप। हार्डली 1 आवर का तो बीच की ये है वो जर्नी। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू मुंबई अगेन बिकॉज बहुत स्ट्रेस आउट हो गई हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं एक दिन के लिए वक्त सिर्फ अपने लिए सिर्फ बिताऊँ, अपने साथ खुद के साथ बिताऊँ और ये नेचर के साथ बिताऊँ। आपको पता है मुझे नेचर के साथ वक्त बिताना और आपके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। सो स्टे ट्यून, अभी मैं जा रही हूँ उस रिसोर्ट में जो रिसोर्ट बहुत फेमस है और बहुत सीनिक भी है। थैंक यू टू मी जो मैंने अभी इसको R&D किया एंड जाके ये सुंदर सा रिसोर्ट आपके लिए मैं लेके आई हूँ। गाइस कितना सुंदर क्लाउड दिख रहा है, देख रहे हो, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फुल स्काई ब्लू कलर का है, कंप्लीट ब्लू, ऐसा ब्लू आपने ये मुंबई में हार्डली देखने मिलता है। एंड वाइट कलर के क्लाउड्स हैं। 17 मिनट बचे हैं एंड इट इज 7 किलोमीटर नाउ। रोड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, रोड्स काफ़ी ऑफ रोडिंग है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। एंड हालांकि मैं पुणे के रोड से आई हूँ, यहाँ आने के लिए, इस रिसोर्ट में आने के लिए आपको दो रास्ते लगते हैं। एक तो एम्बे वैली से आता है, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइसेबल बिकॉज जहाँ तक मैंने इन्फो निकाली है या मैंने जहाँ तक वो सर्च मारा है, तो एम्बे वैली का रोड काफ़ी ऑफ रोड है एंड पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन वैसा रोड है, स्मूथ रोड नहीं है। और ये जो रोड मैं अभी आई हूँ वहाँ से पुणे से डायरेक्ट रोड है, ना राइट जाना है ना लेफ्ट जाना है, स्ट्रेट 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 रोड है। हार्डली 1 आवर का रोड है, बट दैट इज़ वेरी गुड एंड प्रॉपर अच्छा रोड था। अब भी थोड़ा सा यहाँ पे आई हूँ, जैसे जैसे वो रिसोर्ट के मैं नज़दीक आ रही हूँ तो ऑफ रोडिंग हो रही है मेरी लेकिन इसमें जो हाइपर स्मूथ वाला जो मोड है उसके वजह से शायद आपको समझ में ना आए कि मैं कितनी हद तक बाउंस हो रही हूँ, लेकिन हो रही हूँ, अच्छी खासी बाउंस हो रही हूँ। ऑफ रोड देख रहे हो, और छोटा सा
है और टू वे, देखो बोथ साइड से गाड़ियां आ रही हैं। ये आ गई मैं मल्हार माची, गाइस ये रिसोर्ट था जो मुझे डेडलाइन पे अच्छी बुकिंग भी मिली और हार्डली किलोमीटर्स पे था तो मैंने इसको बुक किया है। तो फिर आज के लिए इतना ही गाइस, मैं अभी थक गई हूँ ड्राइविंग करते हुए, मैं सुबह से निकली थी। सो आज अभी जाऊँगी मैं, चेक इन करूँगी, आराम करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय। एक्साइटेड मैन, क्या एंट्री, 1000 एंट्री दी हुई है। कैन यू सी दिस यार, कार्ट है यहाँ पे फुल ऑन ट्रेडिशनल, सब कुछ ट्रेडिशनल, लेकिन बाहर से इतना अच्छा है, सोचो अंदर कैसा हो। एक्साइटेड हो ना? यस आई, एक मिनट, हाँ सी फुल ऑन ग्रीनरी है यार, पूरी तरह से ग्रीनरी है और फुल ट्रेडिशनल लुक है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड बॉस, वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर फॉर 2 डेज। आप लोग भी एक्साइटेड हो ना? बट आज नहीं दिखा सकती ये सब, आज का day 1 है तो आज के लिए बस इतना ही। कुछ और देखना है नए व्लॉग में, देखो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, एक्साइटेड मैन, वेरी एक्साइटेड।